One of the best bicycle of the time, love of first sight, love of first glance, challenge accepted from myself against Toronto, the hidden secrets, originally rahega, aur Xerox jo hai wo Xerox hi rahega, geometry, MTB approved geometry hai. Before I start the review of this cycle and I start telling you the hidden secrets of Toronto Niagara, I would request you do subscribe the channel, do like the video if you like my review, and do share the link to your friends. Guys, main itni mehnat karke aapko iske secrets nikal ke pure genuine 100% genuine videos main aapko bana ke de raha hu. Aap jitna subscribe karoge, jaisa subscriber ka level badhte jayega, utna mujhe video banane mein maza aayega. To subscribe zarur karna और बेल आइकॉन का जरूर प्रेस करना ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे. टोरंटो के और बहुत सारे वेरिएंट्स हैं जो मैं आपको वन बाय वन लाने वाला हूं, तो चैनल पे बने रहिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू द चैनल प्रो साइक्लिस्ट 46. मैं हूं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट एजाज हुसैन. आज फिर से मैं आपके लिए एक नया बाइक लेके आया हूं जो है टोरंटो की तरफ से, वन ऑफ द बेस्ट बाइसिकल ऑफ द टाइम इन द इंडस्ट्री एट दिस प्राइस रेंज. ब्यूटिफुल सीरीज, ब्यूटिफुल वेरियंट्स फ्रॉम टोरंटो. आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ टोरंटो का नियाग्रा. तो ये नियाग्रा सीरीज में तीन कलर्स आते हैं और दो वेरियंट्स में आता है, एक 27.5 एंड 29 में. एक आपको कलर जो मेरे पास आप देख रहे हो, दिस इज अदर वन इज रेड ग्रे कॉम्बिनेशन, एंड एक और कॉम्बिनेशन जो आप ये देख रहे हो ये है फुल स्टील ग्रे. ऑल द थ्री कलर्स आर रियली वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ऑसम. टोरंटो ने मार्केट का जो टेस्ट है वो पकड़ लिया है. जो आपको टेस्ट चाहिए, जो आप ढूंढते हो, जो बोलते हैं ना कि लव ऑफ फर्स्ट साइट, लव ऑफ फर्स्ट ग्लांस, जो एक नज़र में ही पसंद आई चीज़, वो टोरंटो ने इसमें डाला हुआ है. इन्होंने अपनी जी जान लगाई है इस साइकिल को बनाने में. और जो प्राइस पॉइंट पे जो स्पेसिफिकेशन अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, दैट इज जस्ट अनबिलीवेबल. बहुत लोग आपको कॉपी करने वाले मिलेंगे, इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन वो आपको कॉपी करके दे देंगे, बट जो चीज टोरंटो दे रहा है, जो क्वालिटी टोरंटो दे रहा है, वो आपको दूसरे ब्रांड्स में नहीं मिलेगा. ये मैं अपनी तरफ से आपको गारंटी करके देता हूं. कहीं अगर आपको इस क्वालिटी का पेंट या इस क्वालिटी के कंपोनेंट्स अगर किसी में आपको मिलते हैं, अ चैलेंज एक्सेप्टेड फ्रॉम माइसेल्फ अगेंस्ट टोरंटो. तो ये गाइस ऐसा साइकिल इन्होंने बनाया है कि प्राइस सुनते ही आपके होश उड़ जाएंगे उस कंपोनेंट्स पे. टोरंटो ने हमें कंपोनेंट्स पे लॉक कर दिया है और प्राइस पॉइंट उन्होंने ऐसा दिया है कि आप कोई दूसरा सोच ही नहीं सकते हो. तो आइए चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं द हिडन सीक्रेट्स ऑफ टोरंटो नियाग्रा. आपने टाइटल तो पढ़ लिया होगा कि हिडन सीक्रेट्स ऑफ टोरंटो. सही में मैं आपको इसके कुछ हिडन सीक्रेट्स बताऊंगा जो अक्सर लोगों को मालूम नहीं है. एंड ये भी मैं आपको बोलूंगा कि कुछ कंपनियां ये वीडियो अगर मेरे देखेंगे तो ये ज़रूर इसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे, बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओरिजिनली रहेगा और जीरोक्स जो है वो जीरोक्स ही रहेगा. जीरोक्स कभी ओरिजिनल का मुकाबला नहीं कर पाएगा. तो बात करते हैं इस साइकिल के फीचर्स के बारे में. तो शुरू करते हैं इसके फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेम से. आपको मैं ये बताऊं कि सब बहुत सारी कंपनियां फ्रेम बनाती हैं, कट कॉपी पेस्ट होता है, कटिंग करके ये करती हैं, बट दिस ब्रांड हैज टेकन अप्रूव्ड ज्योमेट्री, एमटीबी अप्रूव्ड ज्योमेट्री है. तो आप ये जो ज्योमेट्री देख रहे हो ये कोई ऐसे ही, मतलब इन्होंने कट करके वेल्ड नहीं किया हुआ है, एक प्रॉपर एमटीबी अप्रूव्ड ज्योमेट्री है. प्रॉपर आरएनडी के साथ इन्होंने किया हुआ है. राइडर का रीच डिस्टेंस, हाइट मेजरमेंट्स, एवरीथिंग ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर राइडिंग होने के लिए उस हिसाब से इन्होंने बनाया हुआ है. तो ये कार्बन स्टील का फ्रेम है जो टिक वेल्डेड आता है. दो तरह की वेल्डिंग आती है, एक मिग वेल्डिंग और एक टिक वेल्डिंग. जो टिक वेल्डिंग है वो मिग वेल्डिंग से काफी स्ट्रॉन्गर है. अब इट एक्सपेंसिव आल्सो, बिकॉज ऑफ दैट
जो सस्ते वाले ब्रांड्स हैं, जो कम रेंज में आते हैं, जो प्राइस कंपटीशन में जो रेंज आते हैं, वो ये वेल्डिंग नहीं यूज़ करते। तो टोरंटो इज़ यूजिंग द टिग वेल्डिंग। एंड जैसे टोरंटो की खासियत है वो है इंटरनल केबलिंग। आप ये इंटरनल केबलिंग जो देख रहे हो, ये इंटरनल केबलिंग आएगा इसके अंदर। टोरंटो का कोई भी बाइसाइकिल आउटर केबलिंग के साथ नहीं आता है। एंड कमिंग बैक टू दी सस्पेंशन फोर्क, बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन फोर्क इन्होंने लगाया हुआ है। टोरंटो इज गिविंग 80 mm ट्रैवल सस्पेंशन जो काफ़ी स्मूथ वर्क करता है। मैकेनिकल सस्पेंशन होने के बावजूद भी ये परफेक्ट रिमिंग के साथ है। एंड एमटीबी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है द कंट्रोल बार हैंडल। तो ये हैंडल बार जो कंपनी यूज करी है, इट्स 680 mm वाइड। तो 680 mm एक अच्छा एंट्री लेवल साइकिल में आता है। 700, 720 भी आते हैं, बट वो काफ़ी हायर एंड में, एंड वो आपको ट्रेल बाइक्स में मिलेंगे। एक एमटीबी के लिए प्रॉपर जो ऑल टेरेन पे आप चलाने के लिए जो हैंडल चाहिए वो 680 mm काफ़ी है। तो 680 mm प्रॉपर दिया है, कट साइज उन्होंने यूज नहीं किया हुआ है। एंड एक और चीज मैं आपको दिखाऊंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एलॉय का हैंडल स्टेम है, 3D फोर्ज्ड है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है टेक्निकल टर्म्स में जो अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है, 3D फोर्ज। आप इसका गूगल करेंगे 3D फोर्ज कि क्या क्वालिटी है, यू विल गेट टू नो कि ऑर्डिनरी स्टेम एंड 3D फोर्ज स्टेम में डिफरेंस क्या है। तो इसी तरह से इन्होंने हैंडल स्टेम भी नेको का यूज किया है, कोई लोकल ऑर्डिनरी नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे नेको ब्रांडिंग के साथ है। तो नेको का हेडसेट यूज किया है, नेको हेडसेट होने से वजह से काफी फ्रिक्शन इसका स्मूथ रहेगा। एंड अब हम आते हैं रिम्स की तरफ। जो कंपनी ने 36 होल्स के डबल वॉल एलॉय रिम्स यूज किए हुए हैं जो काफी स्ट्रॉन्ग व्हील्स है। एंड अगर आप इसके हब्स देखोगे गाइस, यू आर गोइंग टू सरप्राइज दैट द टोरंटो इज गिविंग सील्ड बेयरिंग हब्स, इंपोर्टेड सील्ड बेयरिंग हब्स विथ हाई आरपीएम। यस, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको सील्ड बेयरिंग हब्स मिलेंगे जो 40,000 50,000 से ऊपर की बाइक्स में। इसका प्राइस तो मैं आपको बताऊंगा, आप जरूर सरप्राइज होगे। इसके हिडन सीक्रेट्स अब खुलना शुरू हो रहे हैं। तो ये पहला हिडन सीक्रेट मैंने आपको बता रहा हूं, ये जो इंपोर्टेड इन्होंने सील्ड बेयरिंग हब्स यूज किए हैं, इसका आरपीएम काफी हाई है। आपको एक और हिडन सीक्रेट इसका बताता हूं, वो है टायर्स के। आप नॉर्मली अगर देखोगे तो इसमें लगेगा आपको ये हार्टेक्स के टायर्स लगे हुए हैं यार, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है। तो टायर जो इन्होंने यूज किया है 2.40 साइज का नायलॉन टायर्स है, बट ये टायर वो क्वालिटी का है, उस फैक्ट्री में बना है जहां WTB बनाता है। जो WTB जो टायर यूज करता है वो जर्मन टेक्नोलॉजी, जर्मन थ्रेडिंग होती है, जो जर्मन इसके जो थ्रेड्स लगते हैं वो जर्मन थ्रेड होता है, उस क्वालिटी पे बना है ये टायर। देर विल बी नो कंप्लेंट इन द टायर्स इफ यू यूजिंग दिस टायर इन एनी ऑफ योर बाइसाइकल। ये स्पेयर में भी आते हैं टायर, आप ले सकते हो टायर। अब अगर आप बात करोगे द थर्ड हिडन पॉइंट इज डिस्क ब्रेक्स। सभी में मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स आते हैं, इसमें भी मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स है, नो प्रॉब्लम। बट इसमें जो डिस्क ब्रेक्स आ रहे हैं वो डिस्क ब्रेक्स है लोगान के, लोगान DX2005। अगर आप अगेन गूगल करोगे या फिर किसी की स्पेसिफिकेशन चेक करोगे, लोगान DX2005 ये डिस्क ब्रेक्स आपको अगेन मिलेंगी जो 40,000 अबव साइकिल्स पे है। ये कोई भी आप दूसरे ब्रांड्स आप चेक कर रहे हो, ये डिस्क ब्रेक्स नहीं है। मैकेनिकल वो यूज कर रहे हैं बट ये क्वालिटी नहीं दे रहा है, फॉर श्योर आई एम टेलिंग यू। 160 mm के रोटर्स फ्रंट एंड बैक बोथ लगे हुए हैं। और एक और पॉइंट आपको जो बता रहा हूं, जो इसके अंदर जो कार्ट्रेज लगा हुआ है वो है केनली का कार्ट्रेज, जो बीबी कार्ट्रेज जिसको हम बोलते हैं, जो अंदर होता है बॉटम ब्रैकेट, वो जो है कंपनी ने केनली यूज किया। यहां पे भी कंपनी ने पैसे नहीं बचाए, नो डाउट इट्स इनसाइड, कंपनी चाहे तो लोकल यूज कर सकती थी, बट इन्होंने लोकल दूसरे ब्रांड्स की तरह लोकल नहीं यूज किया हुआ है। इसमें केनली का यूज किया है जो आपको चलाने में काफी फ्रिक्शन स्मूथ मिलेगा। तो जैसे चेन व्हील अगर आप देखते हो, एज यूजुअल जैसे एमटीबी में आता है 24, 34 एंड 42 टीथ के लगे हैं, 24, 34 एंड 42। तो ये एक परफेक्ट चेन व्हील आता है फॉर एमटीबी साइकिल्स। एंड जो सबसे क्या
क्यूरियस क्वेश्चंस होते हैं कस्टमर्स के, और आप भी सोच रहे हो यार इतना सब कुछ इसने बता दिया एंड गेयर्स के बारे में कुछ नहीं बोला, तो बस वहीं आ रहा हूँ। तो कमिंग बैक टू द गेयर्स एंड अगेन फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस प्राइस पॉइंट पे जो कंपनी गेयर्स यूज कर रही है वो आप देख लीजिए, 3x7 शिमानो के गेयर्स हैं एंड दिस टाइम इट इज नॉट टर्नी, दिस इज कमिंग विथ शिमानो एल्टस। शिमानो एल्टस का इसमें गेयर यूज हुआ है, शिमानो एल्टस M310 का इसमें डीरेलर यूज हुआ है, शिमानो TY500 का फ्रंट FD यूज हुआ है एंड शिमानो का इसके अंदर फ्री व्हील यूज हुआ है। कोई कॉम्प्रोमाइज कंपनी ने नहीं किया है। अक्सर आप कंपनियों में देखते हो तो शिफ्टर्स और डीरेलर ये शिमानो होता है, बाकी सब मिक्स एंड मैच। तो इस तरह का कंपनी ने कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हुआ है। तो इन सब फीचर्स के साथ एक और इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट बताऊं, सब PU सीट यूज करते हैं। इस कंपनी ने हाई डेंसिटी PU सीट यूज किया हुआ है। अगर आप ये सीट देख सकते हो, इफ यू कैन फील इन द वीडियो, तो ये हाई डेंसिटी का PU सीट यूज हुआ है। अगर आप ये पेडल देखोगे तो यू फील लाइक एक नॉर्मल पेडल्स है, नॉर्मल पेडल्स नहीं है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है आपको मैं बता रहा हूं, ये बिना ह्यूमन टच के पेडल बना है, एक पूरा टोटल रोबोटिक बनती है। इवन इसका ग्रीस बॉल्स तक ये मशीनरी बनाती है, रोबोटिक मेड पेडल्स हैं। कंपनी क्लेम करती है चाहे 100 किलो का बंदा हो, खड़े होकर भी चलाता है, इसका एक्सल नहीं कट होगा ना बेंड होगा। दिस इज व्हाट द क्वालिटी कंपनी इज गिविंग, जो अगेन आप हायर ब्रांड्स, मतलब हायर ब्रांड्स इन द सेंस हायर रेंज वाली साइकिल देखते हो, 50,000, 60,000, 1,00,000 रुपए की साइकिल जो आते हैं जिसमें जो क्वालिटी पेडल्स यूज होते हैं वो पेडल्स कंपनी ने यूज किए हुए हैं। एंड अभी मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बता रहा हूं, और वो बात ये है, ये जो पेंट आप देख रहे हो, ये पेंट, ये क्वालिटी कोई भी ब्रांड इस रेंज वाली साइकिल्स में नहीं यूज करता है, वो कर भी नहीं पाएगा। टोरंटो इज यूजिंग दैट पेंट विच इज यूज इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज। जो आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो पेंट देखते हो, जैसे बाइक्स या कार्स में जो क्वालिटी का पेंट आता है, ये वही पेंट लगा है और इसके ऊपर कंपनी ने लैकर कोट कराया है। आप डिकेल्स अगर देखोगे, दिस इज इंटरनल डिकेल्स, ये वाटर डिकेल्स लगे हुए हैं, जो स्टिकरिंग आप देख रहे हो ये पूरा इंटरनल है, ये कोई आउटर स्टिकरिंग नहीं है। एंड द पेंट इज विथ, ये पूरा आप देखोगे तो ये इन्होंने लैकर कोट किया हुआ है। तो अब आप सोच रहे होगे कि इसकी प्राइस तो यार कम से कम 30,000-40,000 तो जरूर होगी। नहीं गाइस, इसकी प्राइस है 19,600 ओनली इन 29 ईयर, 21 स्पीड, डबल डिस्क फ्रंट सस्पेंशन, शिमानो एल्टस के साथ। और इसी के साथ इसका जो दूसरा वेरिएंट है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाला वेरिएंट है जो है 27.5 साइजिंग में है, रेस्ट ऑल द फीचर्स इज सेम, साइज इज 27.5, जिसकी प्राइसिंग 200 रुपीज का डिफरेंस है। तो ये जो कलर आप देख रहे हो ये है रेड विद अ ग्रे कॉम्बिनेशन, ये जो देख रहे हो ब्लैक विद अ ग्रे कॉम्बिनेशन, येलो विद अ ग्रे कॉम्बिनेशन, और तीसरा वाला कलर जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ये कंप्लीट ग्रे कलर है। तीन कलर्स कंपनी ने इसमें बनाए हुए हैं, ब्यूटीफुल फीचर्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरा यही आपसे अपील रहेगा कि डू सब्सक्राइब द चैनल, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, रिव्यूज़ आपको जेन्युइन लगते हैं, तो डू शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स जिनको साइकिल बाय करनी है। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, अगर आपको इस साइकिल के बारे में कुछ भी आपको पूछना है यू कैन कॉन्टैक्ट मी, एंड फॉर द बेस्ट प्राइजिंग ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। बाय बाय, टेक केयर।